नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मीडिया से हुए रूबरू, कहा 2017 के बाद जेई एईएस के केसों में 95% की आई है कमी। स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को दिया हूँ 10 में से 10 नंबर। 2000 प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम, जिला है विकास के पथ पर अग्रसर। प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किए ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी से बदलने वाले 2 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चेन, 1 अंगूठी, 2 मोबाइल, 1 काला बैग, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र का किया निरीक्षण। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया दीदार। दोनों गैंडों हर व गौरी को अपने हाथों से खिलाया केला। प्राणी उद्यान में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के दिए निर्देश। गुरुवार को प्रातः गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने महायोगी गोरखनाथ जी का किया दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर अर्पित किया पुष्पांजलि। मंदिर के गौशाला में गायों और बछड़ों को खिलाया घास व गुड़। तीन छात्र चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का 33 सामग्री व 20 चांदी का आभूषण एवं 2010 रुपए नकद किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। मंडल के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त सभागार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। जेई एईएस मरीजों की संख्या शून्य करने की कार्य योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सकुशल हुआ सम्पन्न। जनपद में चल रहे कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए सभी विभागों को दिए निर्देश। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का किया भ्रमण। निरीक्षण, व्यवस्थाओं को देख और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को जानकर अभिभूत हुए मुख्य सचिव, कहा आपकी नौकरी तो पहले से है तय, मन लगाकर खूब पढ़िए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 गुटों के छात्रों में हुए विवाद को कैंट पुलिस ने पहुंचकर कराया शांत। घायल छात्रों का पुलिस ने करवाया इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। और पुलिस लाइन में अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे पुलिस कर्मियों के आवास को खाली कराने के लिए एसपी लाइन राहुल भाटी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 160 में से 24 पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से खाली किया मकान। एसपी लाइन ने कहा आगे भी अभियान चलाकर सभी मकान को कराया जाएगा खाली। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गोरखपुर पहले कई बार आ चुके हैं। यहां पर एनजीटी के द्वारा एक न्यूरो वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अनीता देसाई, जो नीमांस के प्रोफेसर हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम आई थी ये देखने के लिए कि जेईएस के बारे में क्या काम किया गया है। वे देखकर काफ़ी खुश हुए हैं कि यहाँ पर इतना सारा काम हुआ है। वे खुद 2000 से लेकर 2002 तक यूपी सरकार में स्वास्थ्य सचिव होने के साथ यूपी हेल्थ डेवलपमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। यहाँ पर बीआरसी में आकर देखे कि इतनी भयावह स्थिति थी। एक बेड पर 3-4 बच्चे पड़े हैं, कुछ मर भी रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से सभी विभागों के समन्वय के साथ इस बीमारी को काबू में किया। जेईएस के खात्मे के लिए महज स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, हर विभाग को लगाकर पहले की अपेक्षा 95% डेथ और के
केसेस में कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि 21 साल बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज गए हैं, तब स्वास्थ्य सचिव और अब मुख्य सचिव के रूप में गए। आईसीएमआर और जीनोम सिक्वेंसिंग, किसी भी तरह के वायरस की कुंडली निकालकर देखी जा सकती है। बायोसेफ्टी लेवल 3 की मोबाइल वैन भी जल्द ही गोरखपुर आने वाली है, वो बता सकती है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हाईटेक फैसिलिटी देखकर काफी खुश हूं। उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज का स्वरूप बदल गया है, कैंपस इतना अच्छा हो गया है, यहां नीको पीकू के साथ अन्य सुविधाएं भी मरीजों को मिल रही है। जेईएस की मृत्यु दर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से 95% तक कम कर दिया गया है। इसे 100% तक लाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इसके साथ ही बरसात का महीना शुरू होते ही संचारी रोगों का प्रकोप भी बढ़ता है, हमें लोगों को घर घर जाकर जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि एम्स का उन्होंने कल दौरा किया है, 3 साल में एम्स गोरखपुर में जो सुविधाएं मिल रही है उन्हें देखकर हैरानी होती है। वे कहते हैं कि 300 बेड का अस्पताल शुरू हो चुका है, इसके साथ ही हर रोज 2500 मरीजों का ओपीडी में इलाज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि वे बेहतर सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छे से कार्य कर रही हैं, जल्द ही लोगों को और भी बेड उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ पर हॉस्टल और 150 के करीब IPL हो रहा है, MBBS की क्लासेस शुरू हो गए हैं, आसपास के जिले के साथ बिहार और नेपाल के मरीजों को सुविधा मिलेगा। जब JAS के मरीज मरने शुरू होते थे तब पता चलता था कि यहाँ पर BRD के अलावा कहीं इलाज नहीं, अब मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, देखिए मैं गोरखपुर मुख्य सचिव के रूप में तो मैं पहले बार आ रहा हूँ, इसके पहले कई बार आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आया इसलिए कि यहाँ पे NGT जो हमारा माननीय NGT है उनके द्वारा एक न्यूरो वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अनीता देसाई, ये निमहांस है, निमहांस की प्रोफेसर है न्यूरो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की, उनकी अध्यक्षता में एक टीम को उन्होंने कहा कि देखने के लिए कि यहाँ पे क्या जो AES और JEE के बारे में क्या कार्य किया गया है। और मैं बता दूँ उनके जब उन्होंने सारा चीज़ देखा वो इतनी प्रसन्न थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सारा काम न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इलाके में हुआ। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें गोरखपुर के बारे में लिखी हुई है कि यहाँ पे इतना सारा काम हुआ, लेकिन जब मौके पे आकर के देखा तब तो उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना सारा काम यहाँ पे हुआ है। मैं अपने अनुभव को बताऊँ, मैं 2000 से लेकर के 2002 के बीच में करीब 1.5 साल में स्वास्थ्य सचिव था उत्तर प्रदेश सरकार में, और मैं UP हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हुआ करता था। बैठ जाओ। उस पीरियड में मैं 2001 में आया था गोरखपुर में, जब हेल्थ सेक्रेटरी के तौर पे आया था, और इसी BRD मेडिकल कॉलेज में मैं आकर के देखा और वहाँ पे इतनी भयावह स्थिति थी, मन दुखता था कि हमारे कैसे एक एक बेड के ऊपर 4-4 बच्चे पड़े हैं, 3-3 बच्चे पड़े और कुछ बच्चे मर जाए वहाँ पे, बहुत बुरी हालत थी। और उसके बाद इतनी सारी कोशिश हुई राज्य सरकार की, यहाँ पे बहुत कई सारे कोशिश किए गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद से जिस प्रकार का फोकस ला दिया पूरे JEE और AES के लिए और जिस प्रकार का ऑल आउट एफर्ट, मैंने गवर्नमेंट का एक अंग नहीं, गवर्नमेंट का ये स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी इसमें लगा हुआ है, तो नगर विकास लगा हुआ है, तो ग्राम विकास लगा हुआ है, तो कृषि विभाग लगा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लगा हुआ, हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तैनात कर सुनिश्चित करके और एक सामूहिक जो हमारी जो लोगों की जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जिस प्रकार से एक ऑल आउट एफर्ट हुआ, और उसका नतीजा है कि आज अगर हम पुराना देखें कि जो हमारे पहले जो कितने यहाँ पे डेथ होते थे, कितने यहाँ पे केसेस होते थे, तो उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। लेकिन अगर 2017 में जो जर्नी स्टार्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब से करीब 95% डेथ में कमी हो गई, मोर देन 90% केसेस में कमी हो गई, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जब उसी BRD कॉलेज में मैं सोचे 21 साल के बाद मैं
बीआरडी कॉलेज में मैं गया था, तब आया था स्वास्थ्य सचिव के तौर पे, अब आया मैं मुख्य सचिव के तौर पे। बीआरडी कॉलेज में आज 428 बेड का जो है पेडियाट्रिक इनकी फैसिलिटी क्रिएट हो गई है। वहाँ पे पीकू है, वहाँ पे नीकू है, वहाँ पे जो है एचडीवी है, है ये जो तमाम सारी फैसिलिटी वहाँ पे क्रिएट हो गई है। वहाँ पे आईसीएमआर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, आईसीएमआर का जा करके देखा, वहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग, आप जीनोम सिक्वेंसिंग जानते हैं कि इस द बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसका उसकी पूरी इक्विपमेंट यहाँ पे आ गया और सारा स्टेबलाइज हो चुका है। आगे वहाँ जीनोम सिक्वेंसिंग होने जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई वायरस हो उसके बारे में उसकी पूरी की पूरी, जैसे उसकी कुंडली निकाल के बच्चे का देख लेते हैं, ऐसी पूरी उसकी वायरस की कुंडली निकाल करके उसको कैसे करेंगे, ये फैसिलिटी आज गोरखपुर में आ गई। और मुझे कल उन्होंने बताया कि बायो सेफ्टी लेवल थ्री का मोबाइल वैन भी गोरखपुर के लिए अलॉट हो चुका है, जो अभी एक WHO का प्रदर्शनी है, उसमें वो करने के बाद वो गोरखपुर आने वाला है। वो पूरे इलाके में घूम घूम के किसी भी प्रकार का वायरस हो, ये बहुत हाई लेवल का बायो सेफ्टी लेवल थ्री, उस लेवल का एक मोबाइल वैन, एक तरह से मोबाइल लेबोरेटरी है, कहीं भी उसको कल कुशीनगर को ले जाएँ, देवरिया ले जाएँ, महाराजगंज ले जाएँ, गोरखपुर के किसी इलाके में ले जाएँ, वहाँ जा कर के उसकी पूरी पूरी बैठ के सारी एनालिसिस करके उसके बारे में बता सकते हैं कि किस नेचर का प्रॉब्लम है। तो मैं कल उसका ICMR की फैसिलिटी देखा, इनकी फैसिलिटी मैंने देखा, जो BRD कॉलेज की, इतना देख करके खुश हुआ कि इतने कैंपस इतना खूबसूरत हो गया है, अंदर की फैसिलिटी इतनी सारी डेवलप कर गई है, जो कि अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे दिखा और मुझे लगा कि इससे फ़र्क आता है। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कल मैं देखा जा करके पूरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पे 300 बेड ऑलरेडी चालू हो गए, वहाँ पे करीब 2500 डेली का OPD हो रहा है, वहाँ पे करीब 150 के आसपास वहाँ पे IPD हो रहा है, वहाँ पे सारे सेंटर मैंने सुपर स्पेशलिटी के कुछ एक चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें चालू हो गई, वहाँ हॉस्टल चालू हो गया, बच्चों का जो है मतलब वहाँ पे MBBS के क्लासेस चालू हो गए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी जो है एक बहुत बड़ा योगदान मैं सोचता हूँ, न केवल गोरखपुर के लिए, बल्कि गोरखपुर के आसपास जो पूर्वांचल के हमारे तमाम सारे ज़िले हैं, आजमगढ़ डिवीज़न को ले लीजिए, इधर जो बस्ती डिवीज़न को ले लीजिए, इस आसपास के जितने सारे हमारे ज़िले, उन सारे के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। और वो सारी जो डॉक्टर सुरेखा जो वहाँ पे हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई कि किस प्रकार की फैसिलिटी, किस तरह से लोगों को यहाँ पे नेपाल से भी, जो हमारे सदन बिहार है या पश्चिमी बिहार है, वहाँ से भी तमाम सारे यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, इनके लिए एक बड़ा मेजर फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। जो हमारा AE और JES के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, वो हुई है कि पहले जो हर कोई के लिए हमारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई फैसिलिटी थी नहीं। जब लोग मरना चालू होते थे, बच्चों को तकलीफ होती थी, आपको अगर याद करिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैसे पार्लियामेंट उन्हें भाषण दी थी, किस प्रकार से उन्हें इतने बने, उनका जो जिस प्रकार के, अगर वो ऐतिहासिक भाषण है, वो दिखाता है कि उनको कितना पेन था। आज हमारे जो हर एक CSC के ऊपर वहाँ पे ETC तैयार हो गया, मैंने इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर तैयार हो गया, वहाँ पे पीकू और मीनू पीकू, मैंने हमारे पेडियाट्रिक ICU और जो है मिनी पेडियाट्रिक ICU वो तैयार हो गया, ताकि लोगों को यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई तकलीफ है, वो तकलीफ़ को आप वहीं पे अपने पीको अपने सेंटर को वहाँ पे दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सारी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जून जुलाई से ये चालू होता है और सितंबर अक्टूबर तक ये जाता है, मैं अपने सारे जो हमारे प्रेस के भाई लोग हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इसके संवाहक बनिए, आप भी इसकी मदद करिए, और इनफैक्ट करते भी आप हैं, कि अगर किसी बच्चे को कन्वल्जेंस आता है, बुखार होता है, उसकी जो उसको जो तमाम किस्म के ऐसे सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स के लिए आपको किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नियरेस्ट हमारा जो ETC बना हुआ है, आप ETC जाइए, वहाँ पर ट्रेंड डॉक्टर हैं, उन्होंने DCH किया हुआ है, वो पेडियाट्रिशियन में इसके बारे में उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल की है, इस पर्टिकुलर डिजीज़ को हैंडल करने के लिए उनकी एक्सपर्टीज़ उनके पास है, उनके पास जाइए, उनको जो ज़रूरत होगा वो पूरा उसका ट्रीटमेंट देंगे, और वहाँ से उनको लगता है कि फिर भी उनको कुछ एक्स्ट्रा इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए तुरंत रेफ़र कर देंगे BRD मेडिकल कॉलेज के लिए। तो मैं सोचता हूँ इसके साथ ही साथ गांव-गांव में ये जो ये पहले हमको सोचते थे कि केवल ये जो AES है, अब AES में जैसे स्क्रब
टाइफस जो माइट से उससे जो आ जाता है, 50% से ज़्यादा केसेस तो उसी होता है, इतने सारे बच्चों का डेथ उसके नाते होता है। जब हमें जानकारी मिल गई है तो उस जानकारी का पूरा लाभ लेकर के हमें यहाँ पे इसको शून्य लेवल पे लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर अनीता देसाई सी हेड्स न्यूरो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट इन निमांस, उन्होंने खुशी जाहिर की, उन्होंने इतनी पॉजिटिव बातें की। और यहाँ पे मैंने आईसीएमआर का जो रीजनल सेंटर, उनके पेपर भी मैंने देखा, पूरी एनालिसिस कर रखी उन्होंने। तो ये मुझे बड़े लिए बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मैंने अपने सारे अधिकारियों का भी, सारे कलेक्टर, सारे सीडीओ, सारे सीएमओ यहाँ पे आए थे, उनके साथ मैंने मीटिंग की और उनको यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इस बार हमको जीरो तक लाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले भी हमारे पास वक्त है, घर घर जाकर के इसको जानकारी, जो हमारा जो हमारे संक्रामक रोग है, जो संचारी रोग है, उनके लिए जो एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे महाराजगंज से चालू किया था, उस अभियान के तहत घर घर पहुंच करके उनको दस्तक दें, हर घर को उनको बताएं कि अगर घर में आपका बच्चा है और आपको ऐसी कोई चीज़ होती है, आप ETC जाइए, उसका लाभ लीजिए, जिससे कि बच्चा किसी प्रकार से न मरे। इनफैक्ट कल BRD कॉलेज में मेरे 3 अलग अलग पेशेंट्स हैं, 3 ही लोग वहाँ भर्ती हैं और तीनों से मेरी बात हुई और पता चला कि वो भर्ती कितने दिनों से, किस हालत में लेके आए थे और आज उनकी क्या हालत है। उनकी मदर से या एक पे उनकी बुआ थी, उनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि देवर फीलिंग सो गुड कि हमारा बच्चा जब आए थे तो वो बच्चा अनकॉन्शियस था, बात नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, आज वो बच्चा बात कर रहा है, आराम से बैठ रहा है, सब कुछ चीज़ें कर रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा एक लर्निंग हुई। इसके अलावा आज सुबह मैं, ये तो कल का तो मैं शाम को आने के बाद से मैं फुल फोकस मेरा यही है JS के बता, आज यहाँ पे शाम को मैं, आज सुबह मैं यहाँ के गया, जो जू बना हुआ, क्या नाम उसका, पूरा नाम उसका क्या, शहीद अशफाकुल्ला, अच्छा शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान में देखने को गया। ये भी मेरे लिए, मैं जैसे पिछले बार जब मैं भारत सरकार के सचिव के तौर पे आया था गोरखपुर, दिसंबर में मैं आया था, तब मैंने यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी तैयार की जा रही है, वाटर स्पोर्ट की फैसिलिटी रामगढ़ ताल में, जो कि आप देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी वाटर इंप्रूव होगी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेट मी टेल यू कि मैं लगातार रिव्यू करता रहता हूँ, वहाँ पे जितनी सारी ड्रेन्स आ रही है, ड्रेन्स को अभी फाइटो रिमीडियल के लिए सिस्टम में उसको जो है अभी पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, बट उनका पूरा का पूरा मेरे रडार पे है, मैं इसको रिव्यू करता रहता हूँ, हर 3 में रिव्यू करता हूँ। अभी हाल में मैंने रिव्यू किया था कि जितनी सारी ड्रेन आ रही है उस ड्रेन को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे और क्या उसका टाइम फ्रेम है। जब वो पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल पानी उसका निर्मल हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी फाइटो रिमीडियल के थ्रू उसमें काफ़ी बेहतर उसमें परिणाम है। जो हमारी जो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तैयार हुई है, वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के माध्यम से गोरखपुर को एक नेशनल और इंटरनेशनल सर्किट में ला देगा, जहाँ यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सर्किट में जहाँ पे एक नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो वाटर इवेंट होने चालू हो जाएंगे, तो इससे तमाम सारे लोग एक रेगुलर तौर पे यहाँ आनेंगे कि इतना बड़ा वाटर बॉडी एक साथ जहाँ पे 3 किलोमीटर के से बड़ा एक पार्ट हो, एक साथ एक सीधा सीधा हो, वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं मिलता। तो बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन यहाँ होने लगेंगे, यहाँ पे होटलों में, यहाँ बहुत सारा बिजनेस, मैंने अल्टीमेटली क्या है कि ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक विकास होता। तो इसको तो मैंने देखा था तब जब मैं एज ए सचिव में दिसंबर 2021 में यहाँ पे आया था। अभी जो मैंने उसको उसके बगल में प्राणी उद्यान को जब मैं जाके देखा तो देखा कि वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी बन गई है, जैसे 7D का एक्सपीरियंस। अब 7D के एक्सपीरियंस में तमाम सारी चीज़ों को जो कि आप इतने अच्छे से देख के समझ सकते हैं, बच्चों के लिए मैं तो कहूँगा कि सबको वहाँ पे जाना चाहिए। इनफैक्ट अपने अधिकारियों से मैंने कहा कि इसको और ज़्यादा, ऑलरेडी लोग आते हैं, इसको और कैसे पॉपुलर बना सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी बातें मैं उनसे डिस्कस की। और मैं समझता हूँ कि प्राणी उद्यान के जो हमारे वन विभाग के अधिकारी थे जो मैंने चर्चा की है उसके हिसाब से उसको और उसके संवारेंगे। वहाँ पर आपका शेर भी है, वहाँ पर बाघ भी है, वहाँ पर पैंथर भी है, वहाँ पर अभी हिप्पोपोटामस भी है, वहाँ पे जो है ये काजीरंगा वहाँ से आसाम से आया हुआ जो है राइनो भी है, वहाँ पे मैं स्नेक्स का भी है, ये क्या कहते हैं तितली का है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बनी हुई है, मगरमच्छ के बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी बनी है और लोगों को जाकर के हमारे वन्य जीव के साथ बहुत सारी चीज़ वहाँ देख सकते हैं। ये भी एक टूरिज़्म का बड़ा मेजर सेंटर है। मैं जो हमारे
यहाँ का जो मुख्य मंदिर है, जिसके नाते गोरखपुर का नाम और गोरखपुर का जो आप एक पहचान बनी गोरखनाथ मंदिर के नाते, गोरखनाथ मंदिर भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और गोरखनाथ मंदिर में जाकर के वहाँ पे न केवल मंदिर का दर्शन बल्कि वहाँ जाकर के वहाँ की व्यवस्था मैंने देखी, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला कि वहाँ की जैसे गौशाला है, गौशाला का कैसे प्रबंध करते। पूरे प्रदेश भर में तमाम सारे गौ, आपको मालूम होगा कि जो है हमारी जो निराश्रित गोवंश के लिए हमारे शहरों में कान्हा गौशाला, जो कान्हा गौशाला और जो हमारे जो तमाम सारे देहाती क्षेत्र में ऐसे गौ आश्रय स्थल बने हुए हैं, उनके प्रबंध के लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। मेरे लिए अपने खुद के लर्निंग है जो कि मैं अपने अधिकारियों से उनके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे वहां पे क्या करते हैं, हम अब उसमें क्या कर सकते हैं और इसको कैसे बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। वहाँ के अस्पताल को भी जाके देखा मैंने, वहाँ की जो हमारी जो ANM GNM और BSc नर्सिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो भी देखा। दिस इज बोर फॉर माई लर्निंग, मैंने देख करके चीज़ों को बहुत चीज़ें मैंने अपने मार्क की है। और अभी मैंने यहाँ पे एक रिव्यू किया जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ गोरखपुर की लगी, मैं लेट मी शेयर विद यू बिकॉज आई एम वेरी फ्रैंक। मैं भारत सरकार का अर्बन एंड हाउसिंग का सेक्रेटरी करीब 4 साल 7 महीने से ज़्यादा रहा हूँ मैं, और पूरे देश भर में घूमने का, पूरे देश भर को समझने का नहीं बल्कि दुनिया के तमाम सारे शहरों को देखने का मुझे मौका मिला। गोरखपुर में जो परिवर्तन मुझे देखने को मिला वो सबसे बड़ी चीज़ एब्सोल्युटली क्लीन, जो क्लीननेस का लेवल है आई कैन गिव 10 out of 10, इतना बढ़िया जो है। थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, थोड़ी बड़ी सुधार की ज़रूरत है, जो मैंने कलेक्टर से म्यूनिसिपल कमिश्नर से मैंने बात की वो सब चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है उसको कैसे कर देंगे, सोर्स सेग्रीगेशन को कैसे 100% कर दे, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे 100% करके सोर्स सेग्रीगेशन करेंगे, सोर्स को उसको जो वेट एंड ड्राई को कैसे अलग अलग ट्रीट करें, जिससे कि कूड़े से कंचन निकाल सकते हैं, मैंने कूड़े से आप जितना वैल्यू निकाल सकते, ये सब बहुत सारी चर्चा है मेरी प्रिंसिपल कमिश्नर से, यहाँ के कलेक्टर से, यहाँ के कमिश्नर से, एंड आई थिंक दे विल टेक एक्शन ऑन दैट। लेकिन जो क्लीननेस का लेवल है बहुत ही हाई लेवल, मुझे सड़कों पर लिटरिंग नहीं मिला तमाम सारे जगह में, इतनी सारे रोड में गया उतनी सारी जगह मुझे, नहीं तो जगह पे सफाई नहीं होती तो अपने आप नज़र आती। और मैं समझता हूँ कि आप एज ए पत्रकार के तौर पे या नागरिक इसको ज़रूर देखते होंगे, और किसी भी शहर की जो सफाई होती है कम से कम उसकी शहर की वैल्यू बढ़ा देती है, काफ़ी वैल्यू बढ़ा देती है। सड़कें चौड़ी चौड़ी दिख रही हैं, मैं सड़कों में आपको जो कहीं भी आपको इंक्रोचमेंट का जो लेवल है बहुत ही कम हो रखा है। काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने जो सड़कें पहले, मैं गोरखपुर में इतने बार आया हूँ इतनी चौड़ी सड़कें नहीं नज़र आती थी, अब की डेट में सड़कें बहुत चौड़ी नज़र आ रही हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज़, इतने सारे काम पूरे शहर में काम चल रहे हैं, लगभग मैं समझता हूँ कि 5.5 हज़ार करोड़ के काम यहाँ पे गोरखपुर में हो रहे हैं। लगभग 1,200 के आसपास जो प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का मैंने रिव्यू किया और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में ही ये सारे के सारे काम पूरे होंगे और इससे पब्लिक को लाभ मिलना चालू होगा। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ का मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जो कि मैं भारत सरकार के सचिव तौर पर मैंने उसको अप्रूवल फाइनेंस के जो उसका जो PIB रिकमेंडेशन करा दिया था, मैं समझता हूँ भारत सरकार से स्वीकृत होगा तो ये गोरखपुर के नक्शे को एक नए लेवल पे लेके जाएगा। अगर मेट्रो यहाँ पे बनती है तो उसे बहुत नए लेवल पे लेके जाएगा। तो इतना सारा जो काम चल रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो मैंने अपने अधिकारियों से रिव्यू किया वही नहीं बल्कि सारे के सारे प्रोजेक्ट को, जो चारों हमारे जो ज़िले हैं यहाँ पे, गोरखपुर तो है ही, कुशीनगर भी है, देवरिया भी है, महाराजगंज भी है, उनके तमाम सारी बातों को मैंने रिव्यू किया। रिव्यू करके जहाँ कहीं भी कोई अगर मुझे दिखा कि यहाँ पे इसको और सुधार कर सकते हैं, वो सारी की सारी चर्चा की पुलिस के सारे अधिकारियों से। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे पूरे प्रदेश के सारे नगर विकास से रिलेटेड, जो चाहे टाउन एरिया हो जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं, नगर पालिका हो जिसको क्या बोलते हैं, नगर पंचायत तो टाउन एरिया कहते हैं, नगर पालिका है म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम, सारे के सारे उनको, सारे पुलिस अधिकारियों को, रेवेन्यू अधिकारियों को, SDM से लेकर के DM कमिश्नर सारे के सारे और सारे अधिकारियों को कल उनका जो मुख्यमंत्री जी ने VC की थी, उन सारी बातों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे उनको दोबारा एक बार फिर से इनसे रिट्रेट किया कि जिससे उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो। लोगों को अगर जैसे कि सफाई से बेहतर होता है, उसी प्रकार से अगर हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो उससे भी उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, एक शहर का रूप ही खिल जाता है, एक अलग रूप से मिल जाता है। तो उसके बारे में चर्चा की, तमाम सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में और हमारे अधिकारियों को और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। आई थिंक दिस इज़ ऑल आई डिड इन गोरखपुर और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ।
जो सारी चीज़ें मैंने देखी है, लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी एंड सेटिस्फाइड हूँ जो हमारे अपने अधिकारियों से चर्चा हुई है कि जिसके आधार पे हम आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने आपको बताया कि देखें जहाँ पे मुझे कमी नज़र आई उसको सुधार करने का मैंने तरीका देखा और अधिकारियों से चर्चा किया, अधिकारियों से मैंने चर्चा की कि इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आपको देता हूँ, कल जैसे मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गया था, जब मैं बाहर निकला तो मैं देखा कि उसके जो बाहर पे तमाम सारे लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं। अब पोस्टर जो है क्या है, उसको डिफेस कर देता है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है और उसके ऊपर पोस्टर लगा करके लोगों ने उसको उसकी पूरी खूबसूरती को ख़राब कर दिया। वहाँ पे तमाम सारे लोग आते हैं, उनको जो है मतलब आप एक तो उनको इन्फॉर्मेशन से उनको, अब मेरी उसमें चर्चा हुई है नगर निगम से कि आप इसके बारे में एक्शन लीजिए, आपका म्यूनिसिपल एक्ट में आपको हो सकता है। कुछ एक जगह मैंने लिटरिंग देखी, मैंने कहा 99% साफ साफ नज़र, बट कुछ एक जगह मुझे लिटरिंग नज़र आई, जहाँ लिटरिंग नज़र आई उसके बारे में मैंने उनसे बात की, अब कैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स के तहत कानून बना हुआ और उसकी पहले से इंस्ट्रूमेंट मैंने एज अर्बन सेक्रेटरी मैं पूरे देश में दे चुका हूँ, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करिए। लोगों को पहले, सबसे पहले तो हमारे सिटीजन्स को इस बात के लिए तैयार करिए कि वो अपने शहर को साफ रखें, वो शहर को ओनरशिप लें। हमारा शहर हमारा सुंदर शहर, हमारा शहर हमारा हरा भरा शहर, ये हमारे सिटीजन्स को ओनरशिप होनी चाहिए। एक बार उनकी ओनरशिप हो जाएगी फिर उसके बाद हमारे जो सरकारी प्रयास होंगे वो सारे सरकारी प्रयास से देखिए कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे अमृत का हो, स्वच्छ भारत का हो, स्मार्ट सिटी का, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उन प्रोग्राम का लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं। मैंने इन बातों में भी चर्चा की कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप एक नई संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे अनुभव जो कि मैंने देश भर में जो मैंने काम किया उन चीज़ों पे मैंने अपने जिलाधिकारियों से बात की कि कैसे हम लोग रोजगार के नए नए अवसर सृजित कर सकते हैं, अपने ही जो हमारी व्यवस्था उस व्यवस्था के भीतर कर सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ कि जब मैं अगले बार आऊँगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जो हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर एक्शन ले रखे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण संतुलन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के अधिकारियों के साथ सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर राजा मोहन ने बताया कि चिड़ियाघर को और सुंदर बनाने के लिए बैठक की गई है तथा राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा चिड़ियाघर में पेड़ लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने कहा है कि रोड के किनारे पेड़ को अधिक संख्या में काटा जा रहा है, उसमें कम से कम पेड़ काटा जाए। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक, वन रक्षक, डीएफओ तथा नगर निगम के अधिकारी सहित अन्य प्राणी उद्यान के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर एच राजा मोहन ने कहा, आपने यहाँ पे एक्चुअली मनाया तो ये तो पार्टी चाहिए और और ये शुरुआत में हम लोग 154 से शुरू होगी, एक ही है हम लोग, जो एक है उन्हें तो या तो दे देते हैं या नहीं तो वो ले आ रहे हैं सर। वन मंत्री यहाँ पे सर बैठक की सर किस संदर्भ में की? आज माननीय वन मंत्री जी आए थे, पूरा जू को लगभग अपने समय से निकाल करके 2-2.5 घंटे घुमाए
माननीय मनमंदिर जी को पूरा दिखाया, उसमें 70 थिएटर पौधरोपण किया था और उनके हाथों से हम मछली को भी रिलीज किया गया है। और माननीय मनमंदिर जी बहुत खुशी थे और हमको सुझाव भी किया जाएगा यहाँ पे और वृक्षारोपण करना है और ज़्यादा अधिक से अधिक पौधे वन का है उसमें कैंपस के अंदर लगवाना है ताकि जो भी यहाँ का टूरिस्ट विजिटर्स आ रहा है उनका वो सुविधा मिल जाएगा। उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे इस वृक्षारोपण में। इस साल उसमें बारिश का सीज़न में ज़्यादा पौध लगाएंगे और इसका ग्रीनरी बढ़ाएंगे। सर बैठक की गई लेकिन चर्चा भी है कुछ बैठक की गई है, इसमें कहीं चर्चा हुआ था और जू के बारे में हुआ था और बाकी इस मंडल का मुख्य वन संरक्षण लोग आए थे, दो वन संरक्षण लोग आए, कुछ DFO आए, वन निगम का अधिकारी आए थे। इसमें कहीं बिंदु हुआ था वो जो NHO और स्टेट हाईवे में किनारे पेड़ कट रहा है उसमें कम से कम पेड़ कटने के लिए वन मंत्री जी ने माननीय वन मंत्री जी ने आदेश किया गया है उसको बचत करके रखने के लिए, और जो भी पेड़ कट रहा है उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए भी योजना बनने के लिए अधिकारी लोगों का निर्देशित किया गया था। शाहपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि साइबर अपराधियों व जालसाजों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में ब्लू डॉट कंपनी द्वारा ज्वेलरी ऑर्डर किए गए पैकेट में से असली ज्वेलरी बदलकर नकली ज्वेलरी रखकर पैकेट को वापस करने के संबंध में शिकायत की गई, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था। मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान शुभम जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल निवासी वार्ड नंबर 24 मीराबाई नगर शिशवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज, दूसरा संतोष पुत्र दयानंद निवासी 143 दक्षिण टोला वार्ड नंबर 8 शिशवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है, जिनके पास से दो मोबाइल, 3 सोने के चेन, 1 सोने की अंगूठी, घटना में प्रयुक्त सिम, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, बदले गए ज्वेलरी का बैग बरामद हुआ है। SP सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग पादरी बाजार फातिमा रोड थाना शाहपुर गोरखपुर में किराए पर रहकर ऑनलाइन ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी से ज्वेलरी व सामान अपने अपने मोबाइल नंबर से अलग अलग नाम व पते पर ऑर्डर करते थे, जिसकी कैश ऑन डिलीवरी गोरखपुर महाराजगंज में अलग अलग पते पर मंगाते थे। जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर पैकेट लेकर आता था तो हम में से एक लोग उसे बातों में उलझा कर रखते थे, तभी दूसरे लोग पैकेट को खोलकर असली ज्वेलरी सामान निकालकर पैकेट में नकली ज्वेलरी रखकर पैकेट को उसी तरीके से बंद कर देते थे और पैकेट को डिलीवरी बॉय को पैसे ना होने के बहाने व ऑफिस आकर पैकेट लेने की बात कहकर वापस कर देते थे। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर सुनील कुमार पटेल, संतोष कुमार सिंह, रामानुज सिंह यादव, कांस्टेबल शशि शंकर राय, कांस्टेबल शशिकांत जायसवाल, पंकज कुमार गुप्ता, महिला कांस्टेबल नीतू नाविक शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में थाना शाहपुर एवं साइबर सेल द्वारा एक अच्छी गैंग को पकड़ा है। इस गैंग द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता था सोने के सामान को। इन्होंने ब्लू डार्ट एजेंसी के माध्यम से हमें पता चला कि ये मेलोरा, ब्लू स्टोन और तनिष्क
की कंपनी से सोने के आभूषण ऑर्डर करते थे एवं उसके बाद में जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आता था तब उसको बातों में उलझा के एक व्यक्ति घर के अंदर लेके जाता था पैकेट को एंड पैकेट को स्मार्टली इस तरीके से खोला जाता था कि उसमें से ओरिजिनल आभूषण को बाहर निकाल लिया जाता था और उसमें डुप्लीकेट आभूषण डाला जाता था और उसके बाद में व्यक्ति को बताया जाता था कि अभी पैसे नहीं है, हम आपकी कंपनी की एजेंसी पे आके आपका माल वहाँ से ले लेंगे। इस तरीके से इन्होंने टोटल 7 बार इस तरह का घटना कारित की एवं इस घटना पर ब्लू डार्ट कंपनी द्वारा बताया गया तो हमने तुरंत साइबर सेल एवं शाहपुर पुलिस द्वारा हरकत में आकर इन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4 सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं और बाकी 2 वांछित अभियुक्त हैं उनसे और भी गिरफ्तारी कर और भी आभूषण बरामद किए जाएंगे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संतोष एवं शुभम जायसवाल जो जनपद महाराजगंज के हैं। ये लोगों की ठगी नहीं करते हैं, ये कंपनी के साथ ठगी करते हैं एवं जो ब्लू डार्ट कुरियर एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवर करने की प्रोडक्ट, उनके साथ ठगी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने गुरुवार को शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने प्राणी उद्यान के जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर नजदीकी से उनका दीदार किया। इसके बाद उन्होंने गैंडा के बाड़े के पास पहुंचकर हर और गौरी को केला खिलाया तथा अपने हाथों से दुलार किया। उन्होंने प्राणी उद्यान में बनाए गए तालाब में मछली छोड़ा तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया, जिसके संबंध में वन पर्यावरण राज्य मंत्री ने बताया कि चिड़ियाघर का काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर जल्द ही 2 सफेद टाइगर तमिलनाडु से मंगाया जाएगा जिससे कि लोगों में चिड़ियाघर घूमने की ज्यादा दिलचस्पी बढ़े। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कराया जाएगा जिससे कि यहाँ घूमने आए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर DFO विकास यादव, प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर H. राजा मोहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा, नहीं क्या है वहाँ पर भैया, आराम से हेलो हेलो बुलाना जरा दोनों कल छोड़ लगा दे सकते नहीं कल पता नहीं लड़ाई से बेहतर है उसी कमांड पे है। हाँ उसी कमांड पे है। रुकिए भैया रुकिए भैया रुक जाओ चले चले सही कह रहे हैं आप।
चलाएंगे रास्ते में। इधर आइएगा, इधर आइएगा, देखिए मंत्री अब छोड़िएगा नहीं। सीधे ही दबा दीजिए ये कहाँ से मंगवाते हैं वाले क्वेश्चन कुछ दिन इसको रोक देंगे कि पब्लिक पहले से आप तैयार थोड़ा थोड़ा वेट कर रही है पहले से तैयार। खाली पेट रखा गया है क्या मंत्री जी? योगेश जी मंत्री जी आप खेलिए इसमें हरा घास है हार रहे सर वो गौरी है सर मेल फीमेल सर सर एक बार खिला दीजिए सर को दीजिएगा दीजिए दीजिए दोनों एक साथ है ना डायरेक्टर साहब दिख रहे हैं थोड़ा सा इंजन सर आप इधर अब छोड़ दीजिए आप छोड़ दीजिए सर आइए पानी दो भैया कैमरा थोड़ा पीछे करिए भैया अरे क्या कहीं पे पाकड़ बर्गर नीम तीनों एक साथ भी लगे हुए हैं? एक लग रहा है सर ठीक है तीनों एक साथ ये पीपल तो बहुत बढ़िया पेड़ ये थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए। हेलो बढ़िया भैया सर ये हमारा वाइट टाइगर का भी वाइट टाइगर की जगह ये पूरा इसकी बड़ा है सर अमर इसको भी रहने देंगे अमर वो नाइट रात को वहीं जाता है अमर रात को यहाँ छोड़ते हैं आओ चलो कहाँ रहने वाले यहाँ रहेगा बाकी जगह में उसमें छोटा सा कार का अलग उसमें सेफ्टी में आया उसी
चिड़ियाघर बहुत अच्छा है, इतने कम समय में काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सहूलियतें जो यहाँ आते हैं लोग बच्चे, उनके लिए अभी और बढ़ाना है। अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बहुत जल्दी ही दो सफ़ेद शेर एक महीने के अंदर, मैं समझता हूँ महीने सवा महीने के अंदर आ जाएंगे, ताकि यहाँ का और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों को। और उसका बाड़ा बड़ा सब तैयार है, मैंने स्वयं जाके देखा। और वहाँ पे जब दो शेर आ जाएंगे तो पास पास ही एक एक तरह का शेर, एक बिल्कुल सफ़ेद शेर, बच्चों को और जो हमारे एनिमल लवर्स हैं उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग पौधारोपण भी और कराएंगे, ताकि लोगों को साया मिले। जो लोग हमारे टहलते हुए जा रहे हैं उनको थोड़ा साया मिलेगा तो एक सुकून महसूस होगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। और इस गर्मी और धूप का इलाज ही है पेड़ लगाना। जितना पेड़ लगेंगे उतना ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, उतना ही टेम्परेचर कम होगा। तो पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी। मैं आज यहाँ मैंने सभी लोगों से बात की और मैंने सभी से यही कहा कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। मतलब मानव जाति के लिए ज़रूरी है पेड़ लगाना। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वह पेड़ लगाने से ही कम होगा। और मैं चाहता हूँ हर परिवार का हर सदस्य पेड़ लगाए। बच्चों से पेड़ ज़रूर लगवाइए, उनकी बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ ज़रूर लगाएं। पेड़ मानव सेवा की बहुत बड़ी सेवा है। और पेड़ को सिर्फ लगाना ही नहीं है, पेड़ को सुरक्षित रखना उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ भी पेड़ लगाएं वो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पेड़ सुरक्षित हो, तार का बाड़ा हो, घर के अंदर हो या किसी पार्क में लगाएं। और जिन लोगों के घर में जगह है उनसे मैं कहूँगा फल का पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर घर छोटा है तो आड़ू का पेड़ लगा लें, पपीते का पेड़ लगा लें, अनार का पेड़ लगा लें, नींबू का पेड़ लगा लें। उससे पेड़ भी रहेगा, हरियाली भी रहेगी और बच्चों को हमारे फल भी मिलेंगे। सहजन का पेड़ लगा लें तो इस तरह से बच्चों को पोषण भी मिलेगा और हरियाली भी रहेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, हर माने में अच्छा। सर कहाँ से मंगाया जा रही है ये पेड़ जो हैं? वाइट टाइगर्स की बात हमारी तमिलनाडु से। क्या कहेंगे दर्शकों से? यही कहूँगा कि महीना डेढ़ महीने के अंदर आपके यहाँ एक सफ़ेद शेर का जोड़ा जल्दी ही आएगा। गुरुवार को प्रातः गोरखनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने महायोगी गोरखनाथ जी का दर्शन किया और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पुष्पांजलि किया। उसके बाद में सूक्ष्म जलपान के बाद उन्हें गोरखनाथ जी से संबंधित साहित्य दिया गया। भ्रमण के दौरान वे गौशाला में भी गए और गायों और बछड़ों को घास व गुड़ भी खिलाया। बाद में वे गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय भी गए, जहाँ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल बाजपेयी व अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह ने पुष्प से स्वागत किया। चिकित्सालय के प्रशासनिक भवन में भी गए, वहां से ब्लड बैंक भी गए। वहां ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल तथा अधिकारी डॉक्टर ममता जायसवाल ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और ब्लड बैंक के बारे में जानकारी दी। हेलो, हाँ 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 ह
कैंट पुलिस ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को रामपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान धीरू पासवान पुत्र स्वर्गीय विंध्याचल पासवान निवासी धोबी टोला दिव्यानगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, दूसरा अभिषेक सिंह पुत्र प्रद्युमन सिंह निवासी काली मंदिर के पास ग्राम भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, तीसरा चंदन वर्मा पुत्र विश्वनाथ वर्मा निवासी ग्राम रामवापुर थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 33 सोने का सामान व 20 चांदी के चोरी के आभूषण 2010 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि 23 अप्रैल को हम लोग तीनों व्यक्ति धीरू पासवान, अभिषेक सिंह, गब्बर ने मिलकर वीर बहादुरपुरम चौकी क्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज थाना कैंट गोरखपुर में रेकी करके बंद मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करके जेवरात की चोरी किए थे और इस जेवरात को हम लोग तीनों व्यक्ति मिलकर चंदन वर्मा को जो सोने चांदी की दुकान की है इसके पास ले जाकर बेचे थे। हम लोग अक्सर बंदशुदा मकानों को मोहल्लों में घूमकर रेकी करते हैं। जो मकान 2-3 दिन से लगातार बंद रहते हैं उन्हीं मकानों का ताला तोड़कर चोरी करते हैं। इसके अलावा हम लोग मालवीय नगर में 17 मार्च को एक घर से ताला तोड़कर चोरी किए थे और दिनांक 8 मई को दिव्यानगर में भी ताला तोड़कर मकान से चोरी किए थे। चोरी का सामान हम लोग सुनारों को बिक्री करते देते हैं और उससे प्राप्त पैसों का उपयोग हम लोगों ने दारू, शराब व जुआ खेलने में किया है। उन्होंने बताया कि धीरू पासवान पूर्व में लूट व चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। जेल से छूटकर इसके द्वारा घर पर रहते हुए पुलिस के पास दिखावे हेतु आता जाता रहता है एवं यह विश्वास दिलाता है कि मैं सुधर गया हूँ, अब चोरी या कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके द्वारा लगातार क्षेत्र में चोरी जैसी घटनाएं अपने साथियों के साथ कारित किया जा रहा है। गब्बर जो अभी फरार है वह भी अनेकों मुकदमे में पूर्व में जेल जा चुका है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, स्वाद टीम प्रभारी मनीष यादव, इंजीनियरिंग कॉलेज के चौकी प्रभारी अमित चौधरी, उप निरीक्षक अभिनव मिश्रा, अखिलेश कुमार, अरविंद यादव, कांस्टेबल इंद्रेश, राम इकबाल, राजमंगल, रणवीर, अरुण राय, अरुण यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, वाले बाइट क्या देंगे, कोई बच्चों का लड़ाई लड़ाई का है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा वाला वो कहाँ है, आगे क्या, वो सोना सर पीसी है, थोड़ा टाइम दीजिए। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों
पर अंकुश लगाने के लिए आज जनपद गोरखपुर की कैंट पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें इन्होंने एक महीने पुराना चोरी का केस खोला है, जिसमें तीन अभियुक्तों द्वारा 23 से 24 अप्रैल की रात को एक घर में, बंद घर में घुसकर ताला तोड़कर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी लेके चले गए थे, और उस चोरी की गई ज्वेलरी को आज तीन अभियुक्तों को कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक धीरू पासवान जो की पे उसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, गैंगस्टर का मुकदमा भी रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ में अभिषेक सिंह एवं चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, एवं एक अभियुक्त अभी वांछित है। धीरू पासवान के ऊपर अलग अलग जनपद के अलग अलग थानों में कई जगह मुकदमे हैं, उसमें चोरी चोरा और नॉर्थ क्षेत्र और साउथ क्षेत्र में भी कई सारे मुकदमे हैं चोरी के। इसमें 33 सोने की धातु के 33 पीस हैं और 20 चांदी के पीसेज हैं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी है, जो कि करीबन 70% रिकवरी है, और 6 लाख रुपए की कीमत इसकी बताई जा रही है। ये माल को चंदन वर्मा नाम का एक सोनार है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसको एक इनका गिरोह है, उस गिरोह के माध्यम से सोनार को कॉन्टैक्ट किया जाता था, और हम ये सोनार इन इस तरह के चोरों से सभी से ये इस तरह का माल लेता आया है। हमें इस पर पूछताछ की जा रही है कि वो सामान को लेके आगे किस तरीके से बेचता था, और भी कौन कौन चोर जो हैं इसके संपर्क में हो सकते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मीडिया से हुए रूबरू, कहा 2017 के बाद जेई एईएस के केसों में 95% की आई है कमी। स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को दिया हूं 10 में से 10 नंबर। 2000 प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम, जिला है विकास के पथ पर अग्रसर। प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किए ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी से बदलने वाले दो अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चेन, 1 अंगूठी, 2 मोबाइल, 1 काला बैग, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल, एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का किया निरीक्षण। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया दीदार। दोनों गैंडो हर व गौरी को अपने हाथों से खिलाया केला। प्राणी उद्यान में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के दिए निर्देश। गुरुवार को प्रातः गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने महायोगी गोरखनाथ जी का किया दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर अर्पित किया पुष्पांजलि। मंदिर के गौशाला में गायों और बछड़ों को खिलाया घास व गुड़। तीन शातिर चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का 33 सामग्री व 20 चांदी का आभूषण एवं 2010 रुपए नकद किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। मंडल के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त सभागार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। जेई एईएस मरीजों की संख्या शून्य करने की कार्य योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। जनपद में चल रहे कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए सभी विभागों को दिए निर्देश। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का किया भ्रमण। निरीक्षण व्यवस्थाओं को देख और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को जानकर अभिभूत हुए मुख्य सचिव, कहा आपकी नौकरी तो पहले से है तय, मन लगाकर खूब पढ़िए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 गुटों के छात्रों में हुए विवाद को कैंट पुलिस ने पहुंचकर कराया शांत। घायल छात्रों का पुलिस ने करवाया इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। और
पुलिस लाइन में अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे पुलिस कर्मियों के आवास को खाली कराने के लिए एसपी लाइन राहुल भाटी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 160 में से 24 पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से खाली किया मकान। एसपी लाइन ने कहा, आगे भी अभियान चलाकर सभी मकान को कराया जाएगा खाली। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंडलायुक्त सभागार में मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिया कि यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। शहर के मेन रोड पर कहीं पार्किंग ना हो, इसके लिए कार्य योजना बनाकर 2 सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि रेहड़ी और पटरी व्यवसायों से संवाद करके उनका व्यवस्थित पुनर्वासन कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूलों में चलने वाले वाहनों का फिटनेस सही रहे, इसकी भी नियमित निगरानी किया जाए। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को और बेहतर करने पर बल देते हुए कहा कि गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए जनता को जागरूक किया जाए। शहर में सभी जगहों पर सफाई रहे, इसमें आम जनता का भी सहयोग लिया जाए। 10 करोड़ से अधिक निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समय से पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही JEE-AES को समाप्त करने के लिए कार्य करके मरीजों की संख्या को शून्य करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मंडल के ऐसे किसान जिनका आधार उनके बैंक के खाते से लिंक नहीं है, उसको ठीक कराते हुए उनको योजना का लाभ दिया जाए। मुख्य सचिव ने हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि हर घर नल योजना केंद्र एवं प्रदेश की प्राथमिकता में से है, इसलिए अभियान के रूप में कार्य करके इस योजना के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित किया जाए।
पंचायत भवनों के निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन न मिलने के कारण शेष बचे पंचायत भवनों के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम, जिलाधिकारी महाराजगंज सत्येंद्र कुमार, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, डीआईजी एसपी देवरिया श्रीपति मिश्रा, एसपी कुशीनगर धवल अग्रवाल, एसपी महाराजगंज डॉक्टर कौशुभ, सीडीओ गोरखपुर इंद्रजीत सिंह, सीडीओ महाराजगंज गौरव सिंह सोगरवाल, सीडीओ कुशीनगर अनुज मलिक, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, गीडा सीईओ पवन अग्रवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग की एक निर्माण खंड के साथ और आवास विकास परिषद की इसके थोड़े से फोटोग्राफ और अध्यादेश सर ये 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर के 200 व्यक्तियों का दराज बन रहा है सर। 30 सितंबर तक ये पूर्ण हो जाएगा। सैनिक स्कूल का निर्माण 31 मार्च जो हमारे जनपद गोरखपुर का थाना बन रहा है सर, गोरखनाथ थाना प्रशासनिक भवन इसका बन रहा है, जून तक पूर्ण हो जाएगा सर। आयुष विद्यालय बन रहा है सर मई को, इसमें कौन इसको करते हैं संस्था कौन ये पीडब्ल्यूडी भवन खंड है सर, पीडब्ल्यूडी भवन खंड के कौन है यहाँ पे इस बात को उठाया था
कि आप 2 महीने पीछे चल रहे हैं। सर इसमें थोड़ा सा पीछे इसलिए हुआ कि जो शुरुआत में काम शुरू हुआ था तो वाटर लेवल ज़्यादा था, तो भी वाटरिंग होने की वजह से फाउंडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हुआ, लेकिन हम इसको कर लेंगे सर। कवर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कब तक इनका सेल पूरा हो जाएगा? पहली बिल्डिंग जो प्रशासनिक बिल्डिंग है कब तक पूरी हो जाएगी? उसी के अंतर्गत हर बिल्डिंग को हमने फाइनल किया है कि इसी स्टेप के साथ खत्म कर दिया है। एक विजय निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कैसा रेपुटेशन उसका? अब सर यहाँ तो अभी शुरुआत के काम कर रही है, काम यहाँ के पहले आपने देखा होगा ना कहीं भी काम क्या होगा, उनका क्या स्वागत है, काम करते हैं नहीं करते हैं, उनकी इक्विटी कैसी है, उनकी जो टेक्निकल वहाँ पे मैन पावर उन्होंने लगा रखी है नहीं लगा रखी है, ये सारी बातें निर्भर करती है उस पर कि उसका प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लोग बड़ी बड़ी चीज़ तो कर देते हैं, बट आपने पुराना देखा होगा कि कहाँ पर वो काम किया उन्होंने। व्हाट वाज द लास्ट वर्क दे रहे इसको? तो सर फिर हमको इसके बारे में हमको कहाँ इन लोगों ने कैसे चीफ इंजीनियर हो भाई, क्या नाम हुआ आपका? सर एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना जो पात्रता के साथ लोग जब यहाँ आए हैं ठीक है सर, ऐसा है कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको पूरी उसकी गहराई में घुसना पड़ता है सर, तब जाके काम होता है, खाली कहे सुने थोड़ा काम हो जाता है। आपने प्रोजेक्ट दे दिया और कहने का काम कर देगा, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसका जो है टेक्निकल कैपेसिटी कैसे, उसने जो आदमी कर रखा हो आदमी मौके पर लगा रखा है, ये सब चीज़ों को जब तक आप देखेंगे नहीं बिल्कुल वो जो जो वहाँ से उसको मटेरियल लाना है कि कहीं से लकड़ी लानी है, कहीं से उसको पत्थर लाना है, कहीं से उसको लोहा लकड़ लाना है, वो जो तमाम सारी चीज़ें वो सर वो सारा टाइड अप है कि नहीं टाइड अप है सर, वही चीज़ हम लोग फिर और गाने खुशी और गाने खुशी हाई वाले आप बहुत ऊपर ऊपर सही तौर पर देख रहे हैं, थोड़ी गहराई में मुझे एक चीज़ को जो है तब जाकर उसमें सफल नहीं करने के 100 जवाब होते हैं, इसको करने का केवल एक जवाब होता है कि हमें करना है और करने के हर तरह से उसको इंश्योर करना है ठीक है। प्लीज मेक श्योर इसको हाई प्रायोरिटी में डाल दीजिए इंटरव्यू में, क्योंकि बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का जो अवस्थापना संबंध का है सर, ये इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक कर लेंगे, काम भी ठीक चल रहा है सर, सभी कार्यों में सभी स्तर से मंडल स्तर से हमारे स्तर से सर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर की क्षमता दोगुने करने का आवाज है कौनों का सर, ये भी दिसंबर तक पूर्ण किया जाएगा ये काम सर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विद्यालय में प्रशासनिक भवन का काम सर ये जुलाई तक पूर्ण हो जाएगा सर। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बहुमंजिल डबल सीटेड गर्ल्स हॉस्टल करमगंज स्पेशल गोरखनाथ मंदिर का काम जो आपने देखा था उसमें अपग्रेडेशन का काम ये भी हम लोग अगले 1 महीने में पूर्ण कर लेंगे। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में अनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने बताया कि यह भारत सरकार दिशा की बैठक संपन्न हुई है जो कि हर 3 महीने पर होती है, जिसमें जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, यह देखा गया है कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं और जो कार्य चल रहे हैं वह समय पर होगा या नहीं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा जनपद में 100 योजना चल रही है जिसमें जल जीवन मिशन सहित सभी योजनाओं पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक महेंद्र पाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख खजनी अंशु सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा वहाँ पहले जो हमारे जो गिरार थे वो रिटायर हो गए, पहले ठीक है संज्ञान में आ गया है 15 साल हो गया लगातार और हम लोग मीटिंग कराए थे क्षेत्र पंचायत का, अभी भी उनके खाते में पैसा नहीं गया, मैंने कहा नहीं कि अभी उनके खाते में नहीं गया सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना हमारे जल जीवन में, हर घर जल की योजना, इसमें रेट्रोफिटिंग और जल जीवन मिशन में जो स्वीकृति है उसके बारे में बताइएगा।
जो पुरानी योजना 115 पर 124 सर इसके मैंने सत्यापन कराया है सर अलग अलग टीम से और जहां खराब मिला है वहां पे मैंने इनको लिखित में आपके बताया एकला वाला दे दीजिए देखो आप इसी भी एक गाँव का आप सर्वे कराए अगर वहाँ की सड़कें अगर आपके हिसाब से ठीक है तो मैं मान लूंगा ये लोग जो करते हैं वो करते हैं जहाँ पूरे इंटरलॉकिंग जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि 200 मीटर बच गया ऊपर रुकावट लगा के ये चलता है गांव के लोग जनप्रतिनिधियों से ना लखनऊ से होता है लेकिन जो पाइप आती है ये कहते हैं सीधे सप्लाई जाती तो पाइप को चेक करने का तो राइट इनको है ये लोग उसको चेक कर इनकी पाइप जैसे ही उस पर लोड पड़ता है पाइप कट जाती है तो इस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया जनरल अहमद अली शाह जनरल भूषण और फिर इसके बाद वहाँ का आपके नैया पार का तो किसी तरह ठीक हुआ लेकिन आज भी ये अहमद अली शाह जनरल भूषण और ये अभी पटना आ गया आपका जो है गला ये सब ऐसे ही पड़े हुए बताए कि बहुत जगह हम नाम तो नहीं गिना पाएंगे बहुत से गांव हमारे पास हैं जैसे गहिरा है नहीं कहीं बना हो चल रहा हो सही निर्माण पूरा हो चुका है लेकिन अभी नहीं चल रहा है वही मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि ये सूची दे दीजिए सर हम लोग चेकिंग करवा लेंगे और कार्रवाई करा देंगे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरा एक सभी कार्रवाई संस्थाओं से ये लोकल मालूम तो टोटल लोकल मालूम बट एक बार तुम बैन का कराया गया जी अभी हमारे पास मैं मान्य मिला कि नगर निगम को अनुरोध करूंगा जो भी अगर पार्क आपके सीमांत आता है कि ये पार्क समझेगा सर अभी हमें तैराव और उन्हें उपस्थिति के लिए बढ़ावा देना है नियमित रूप से इसका कार्यक्रम करते रहे सर सर ये हमारा रिपन भारत मॉनिटरिंग सेंटर बना है मैं सीधे साहब से अनुरोध करूंगा मॉनिटरिंग सेंटर के बारे में बताएं मॉनिटरिंग सेंटर के अंतर्गत हम लोग सरल ऐप से प्रश्न पत्र भेजते हैं सारे टीचरों को जो जिसको हम लोग प्रोमर शीट पर सरल ऐप से स्कैन करके दिशा की बैठक है ये भारत सरकार की दिशा की बैठक में हर तिमाही हर 3 महीने के बाद ये बैठक होती है जिला के विकास की योजनाओं को लेकर हम सभी विधायकगढ़ सांसदगढ़ जिले के सभी अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं और अपने क्षेत्र की समस्या सब लोग रखकर और सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम कैसा हो रहा है सभी विभागों के अधिकारियों के साथ हम लोग का ये जो 3 महीने के अंतराल में ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन है दिशा की बैठक आज उसी को लेकर ये बैठक था और अच्छी बैठक हुई सभी विधायकगण लोग उपस्थित रहे करीब 100 योजनाओं की बैठक है जिसमें मुख्य रूप से अगर जो हम बात करें सिंचाई PWD विद्युत विभाग प्रधानमंत्री सड़क योजना ऐसे तमाम नगर निगम है स्वच्छ जल मिशन है हर घर नल पानी ये मिशन मतलब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी अपडेट क्या है काम कैसा हो रहा है उसकी प्रगति क्या है क्या कठिनाई हो रही है उसको लेकर ये बैठक चल रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने गुरुवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम की संस्था गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का भ्रमण निरीक्षण किया। इस दौरान यहां की व्यवस्थाओं को देखकर और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को जानकर वह अभिभूत हो गए। उन्होंने नर्सिंग प्रशिक्षुओं से संवाद किया और कहा कि समाज की स्वास्थ्य सेवा के लिए इस संस्थान का सानिध्य पाना सौभाग्य की बात है। मुख्य सचिव श्री मिश्रा के गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहुँचने पर महायोगी गोरखनाथ
विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डी अजीता ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव ने कहा कि गोरखपुर आने पर उनकी इच्छा इस संस्थान का भ्रमण करने की हुई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज में क्लासरूम, लैब, मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन रूम आदि का जायजा लिया। साफ सफाई और हरेक पहलू का सुव्यवस्थित प्रबंधन देखकर उन्होंने बेहद प्रसन्नता जताई। कहा कि इस संस्थान के बारे में जितना सुना था उससे बढ़कर पाया। इस अवसर पर नर्सिंग प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए उन्होंने उनके पठन व प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर डी अजीता ने मुख्य सचिव को कॉलेज में चल रहे विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बाहर से भी कई छात्राएं प्रशिक्षणरत हैं। सभी सीटें फुल रहती हैं। कोर्स पूरा होते भी 100% प्लेसमेंट सुनिश्चित होता है। इस पर मुख्य सचिव ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रशिक्षुओं से कहा कि आप सबकी नौकरी तो अभी से तय है, खूब मन लगाकर पढ़िए। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने मुख्य सचिव को बताया कि इस विश्वविद्यालय में 22 ऐसे पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है जिनकी पढ़ाई पूर्ण होते ही 100% प्लेसमेंट तय है। नर्सिंग के कोर्स पहले से चलते हैं। BA MS प्रथम बैच की पढ़ाई भव्य दीक्षा पाठ्यचर्या के साथ शुरू हो गई है। अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। रोजगार परक पाठ्यक्रमों के बारे में जानकर मुख्य सचिव ने प्रसन्नता जताई और कहा कि अद्यतन टेक्नोलॉजी के साथ समय अनुकूल पाठ्यक्रमों का संचालन बहुत सराहनीय कार्य है। SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अश्लील प्रोग्राम को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच दो छात्रों के गुटों में मारपीट हुई है, जिसमें कैंट पुलिस व CO कैंट मौके पर पहुंचकर हो रहे दो गुटों में मारपीट को शांत कराया और जिनको चोटें आई हैं उनका मेडिकल कराया गया है। अब स्थिति सामान्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आज दोपहर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये सूचना आई कि दो छात्रों के गुटों में मारपीट हुई है। उस तुरंत सूचना पर कैंट थाना पुलिस, CO कैंट एवं मैं स्वयं मौके पर गए और वर्तमान में शांति व्यवस्था माकूल कराई गई है और छात्र प्रदर्शन कर रहे थे पहले से कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अश्लील प्रोग्राम कराया गया, उसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेके दोनों तरफ प्रोवोकेशन हुआ और उसकी वजह से घटना हुई है, लेकिन अभी शांति व्यवस्था कायम है। सर, चोटें भी आई हैं? इनकी चोटें का आई है, उनको मेडिकल कराया गया है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी तरफ से तहरीर भी मिली है? अभी तक इस तरफ की तरफ। पुलिस लाइन में अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे पुलिसकर्मियों की आवास को खाली कराया गया, जिसके संबंध में SP लाइन राहुल भाटी ने बताया कि लाइन में कुल 160 आवास हैं जिनका अवधि पूरी हो गया है, जो रिटायर हो गए हैं या जो मृत्यु आश्रित हैं, जो यहां पोस्टेड नहीं है या काफ़ी वर्षों से बिना परमिशन के अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें 160 मकान को चिन्हित करके उनको खाली कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 24 मकान खाली कराए जा चुके हैं तथा किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लोग अपनी स्वेच्छा से मकान को खाली कर रहे हैं। इस अवसर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP लाइन राहुल भाटी ने कहा, मन मना लिया।
पड़ जाएंगे कुछ ऐसे रहेंगे जिनको ताला लगा है वो भी प्रक्रिया जो एक रूम में होता है रख दिया जाएगा और अधीक्षक साहब के आदेश के क्रम में कुल 160 ऐसे आवास हैं जो जिनका समयावधि यहाँ पे पूरी हो गई है, जो या तो स्थानांतरित हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं या जो मृतक आश्रित थे जो यहाँ पोस्टेड नहीं है। ऐसे लोग जो काफ़ी वर्षों से बिना किसी परमिशन के ओवर स्टे कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, ऐसे कुल 160 मकान चिन्हित करके उनको खाली करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें आदरणीय ACM फर्स्ट साहब श्री विनय पांडे जी हमारे साथ में हैं और पिछले दो दिन से ये प्रक्रिया चल रही है और विद इन वीक हमें उम्मीद है कि ये लोग अपना जो घर है जो अवैध रूप से काबिज हैं जिस पे ये खाली कर दें। अभी तक तकरीबन 2 दर्जन के करीब मकान खाली हुए हैं, दूसरा ये दिन है। हमें उम्मीद है कि एक सप्ताह में ये खाली हो जाएंगे। बाकी कोई दबाव या कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति नहीं है, लोग अपनी स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं। वो भी ये समझ रहे हैं कि पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उनको नोटिस दिया जाता है, पिछले 1-2 साल से उनको नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं, पिछले 6 महीने में मेरे स्वयं के हस्ताक्षर से 4 बार उनको नोटिस दिया गया है, तो ये जान रहे हैं कि ये कभी भी खाली हमें करने के लिए कहा जा सकता है। तो लोगों को जब ये मालूम हुआ कि इस दिन ACM साहब और मैं आके मकान खाली करने के लिए उनको कहेंगे तो लोग अपने आप से खाली कर रहे हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मीडिया से हुए रूबरू, कहा 2017 के बाद JEE AES के केसों में 95% की आई है कमी। स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को दिया हूँ 10 में से 10 नंबर। 2000 प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम, जिला है विकास के पथ पर अग्रसर। प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किए ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी से बदलने वाले 2 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चेन, 1 अंगूठी, 2 मोबाइल, 1 काला बैग, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल, SP City ने किया खुलासा। प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का किया निरीक्षण। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया दीदार। दोनों गैंडों हर व गौरी को अपने हाथों से खिलाया केला। प्राणी उद्यान में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के दिए निर्देश। गुरुवार को प्रातः गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने महायोगी गोरखनाथ जी का किया दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर अर्पित किया पुष्पांजलि। मंदिर के गौशाला में गायों और बछड़ों को खिलाया घास व गुड़। तीन छात्र चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का 33 सामग्री व 20 चांदी का आभूषण एवं 2010 रुपए नकद किया बरामद, SP City ने किया खुलासा। मंडल के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त सभागार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। JEE AES मरीजों की संख्या शून्य करने की कार्य योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सकुशल हुआ सम्पन्न। जनपद में चल रहे कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए सभी विभागों को दिए निर्देश। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का किया भ्रमण। निरीक्षण, व्यवस्थाओं को देख और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को जानकर अभिभूत हुए मुख्य सचिव, कहा आपकी नौकरी तो पहले से है तय, मन लगाकर खूब पढ़िए।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो गुटों के छात्रों में हुए विवाद को कैंट पुलिस ने पहुंचकर कराया शांत। घायल छात्रों का पुलिस ने करवाया इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। और पुलिस लाइन में अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे पुलिस कर्मियों के आवास को खाली कराने के लिए एसपी लाइन राहुल भाटी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 160 में से 24 पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से खाली किया मकान। एसपी लाइन ने कहा, आगे भी अभियान चलाकर सभी मकान को कराया जाएगा खाली। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।